एक कम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है दूसरा इनकम्प्लीट सो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो हमारी होती हैं उनमें वर्ड कुछ वर्ड या कोई वर्ड रिक्वायर होता है उसके मीनिंग को कम्प्लीट करने के लिए उसके थॉट को कम्प्लीट करने के लिए उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं लेट्स सी सम्पल एग्जाम्पल वन सक्सेस मेड हिम मैड सक्सेस मेड हिम मैड इन दिस सेंटेंस our subject is success and object is in this sentence our object is him our object is him this is our object and complement we are finding complement in this sentence and complement is mad mad is our complement in this sentence and in this sentence our verb is made and this is a

हंगरी अगर हम हंगरी को यहाँ से हटा दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा तो कंप्लीट थॉट के लिए इसमें किसकी नीड है कॉम्प्लीमेंट की ठीक है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है द प्लेयर सीम्ड नर्वस द प्लेयर सीम्ड नर्वस हमारी वर्व है सीम्ड और नर्वस क्या है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पर उसके थॉट को यानी कि जो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ओके okay? तो ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब थी फर्स्ट जिसमें ऑब्जेक्ट था और हमारी जो ये सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल है इसमें हमारा क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारी क्या है इन ट्रांसिटिव वर्व है हमारी कौन सी वर्ब है इन ओके नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ अवर बुक फर्स्ट एक्सरसाइज ई अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस हमें क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्स को अंडरलाइन करना है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस द बुक वॉज इंटरेस्टिंग वर्ब हमारी है इसमें वॉज और कॉम्प्लीमेंट यू कैन नाउ फाइन ईजीली तो कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा इसमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इज अवर कॉम्प्लीमेंट नाउ द सेकेंड सेंटेंस जॉन वॉज इन द कंट्री इसमें हमारी वर्ब क्या है यू कैन सी वॉज एंड कॉम्प्लीमेंट जस्ट स्वीट वॉज ओके वॉज इज अवर वर्फ एंड कॉम्प्लीमेंट इज इन द कंट्री नेक्स्ट द ओल्ड मैन बॉट आ ब्लैंकेट इसमें हमारी वर्व कौन सी है बॉट बॉट क्या है हमारी वर्व और आप ब्लैंकेट ब्लैंकेट क्या है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है ओके okay? इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये क्या है ये ब्लैंकेट इसमें ये ऑब्जेक्ट है फोर्थ सेंटेंस दिस गर्ल ऑलवेज ट्राई टू लर्न ट्राइज टू लर्न ट्राइज हमारी क्या है यहाँ पर वर्ब है और टू लर्न लर्न करने के लिए हमेशा ट्राई करती है तो ये हमारा क्या है इसमें ऑब्जेक्ट सॉरी कॉम्प्लीमेंट टू लर्न कॉम्प्लीमेंट एप्पल टेस्टेड स्वीट इसमें हमारा क्या है टेस्टेड हमारी वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा स्वीट स्वीट हमारा कॉम्प्लीमेंट है नेक्स्ट द डॉग सीम्ड मैड सीम्स मैड सीम्स हमारी वर्ब और मैड हमारा कॉम्प्लीमेंट हंग्री वॉल्व्स आर डेंजरस आर हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब है हमारी और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है इसमें डेंजरस कैसे हैं डॉग डेंजरस वॉल्वस द बेगर सीम्ड डिसअपॉइंटेड द बेगर सीम्ड डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटेड तो हमारी सीम्ड इसमें वर्ब है और हमारा कॉम्प्लीमेंट है डिसअपॉइंटेड नेक्स्ट टू लेट द डॉक्टर परफॉर्म द ऑपरेशन इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है द ऑपरेशन नेक्स्ट माई वर्ड्स मेड हर कंफर्टेबल तो इसमें हमारा वर्ब कौन सी है हमारी मेड और इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा हर और इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट है कंफर्टेबल ओके okay? तो दीज आवर दीज आर आवर कॉम्प्लीमेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज दिस वन फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स हमें इसमें क्या करना फिल, करना? फिल करना है ऑब्जेक्ट फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फर्स्ट जत इन स्टडीज एट नाइट देर आर समन यू कैन फाइंड फ्रॉम द ऑप्शन जत इन स्टडीज क्या स्टडी कर रहा है वो ग्रामर ओके तो इसमें हम क्या फिल करेंगे फर्स्ट सेंटेंस में हम फिल करेंगे ग्रामर नेक्स्ट मोहित लेफ्ट एट होम मोहित छोड़ गया या छूट गया क्या हिज फोन हिज फोन नेक्स्ट जोकर रेजिज इन द एयर एयर में रेज कर रहा है वो जोकर किसको रेज कर रहा है भाई हिज हैंड्स किसको कर रहा है वो हिज हैंड्स तो हमारा थर्ड में आएगा हिज हैंड नंबर फोर द कैप्टन चेंज फॉर द फाइनल मैच फाइनल मैच के लिए कैप्टन ने चेंज किया किसको किया द टीम एंड नंबर फिफ्थ माई मदर हगड एट द एयरपोर्ट मेरी मदर ने हक किया किसको करेंगी हग मी तो इसमें हमारा फिफ्थ होगा हग मी शी इज़ क्लीनिंग शी इज़ क्लीनिंग अब वो क्या क्लीन कर रही है क्लीनिंग द फ्लोर

नेक्स्ट नंबर एट में आ जाएगा अस नेक्स्ट आई वॉश बिफोर एवरी मील आई वॉश क्या वॉश करते हैं हम या मैं क्या वॉश करता हूँ बिफोर एवरी मील माय हैंड्स तो नंबर नाइन में आ जाएगा माय हैंड्स एंड लास्ट वन माय सिस्टर बॉयल इन द कैटल कैटल में मेरी सिस्टर क्या बॉयल कर रही है वॉटर सो नंबर टेन इज वाटर सो दीज आर द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सिक्स I hope you have understood.